जब किसी कार का एक्सीडेंट होता है तो अंदर बैठे इंसान की जान इस बात पर निर्भर करती है कि उसने सीट बेल्ट पहनी थी या नहीं। अगर अंदर बैठे इंसान ने सीट बेल्ट पहनी है तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अब मैं आपके दिमाग में एक सवाल पैदा करता हूँ कि गाड़ी में और एरोप्लेन में तो सीट बेल्ट होती है, लेकिन ट्रेन में क्यों नहीं होती? रुकिए, अब सवाल मैंने बताया है तो जवाब बताने की भी जिम्मेदारी मेरी है ना, और आपकी जिम्मेदारी है 1 लाख से 2 लाख सब्सक्राइबर करवाने की, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, प्लेन में सीट बेल्ट तब लगाई जाती है जब प्लेन या तो टेक ऑफ कर रहा हो या फिर लैंड करने वाला हो, और वहीं दूसरी ओर कार प्लेन और ट्रेन के कंपैरेटिवली हल्की होती है, और अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो वो इतने चक्कर खाएगी ना कि गिनती भी याद नहीं रहेगी, इसीलिए कार में सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है। और अब बात करें ट्रेन की, तो इसकी बॉडी इतनी भारी होती है कि एक्सीडेंट के दौरान इसके डिब्बों पर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, और थोड़ा बहुत पड़ता भी है वो इन सॉकेट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब आप बताइए, गाड़ी चलाते टाइम सीट बेल्ट पहनते हो या नहीं?